उदयपुर शहर में पैंथर दिखने का सिलसिला लगातार जारी है। एक ओर जहां मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आए दिन पैंथर दिखाई देता है, तो वहीं माछला मगरा पर भी पिछले दिनों एक पैंथर का जोड़ा देखा गया था। दूध तलाई से सिसारमा जाने वाले मार्ग पर भी बीती रात को एक पैंथर देखा गया। बुधवार रात करीब 10:30 बजे सिसारमा जाने वाले मार्ग पर एक पैंथर दिखाई दिया, जिसके पैर पर चोट लगी थी। मार्ग से गुजरते राहगीरों ने चोटिल पैंथर के दौड़ते भागते हुए वीडियो भी बनाई। पैंथर के पिछले पैर पर चोट लगी होने की वजह से वह लंगड़ाता हुआ दौड़ता नजर आ रहा था। करीब आधा किलोमीटर मुख्य मार्ग पर दौड़ने के बाद चोटिल पैंथर सीता माता मंदिर के सामने बने जंगल सफारी पार्क में घुस गया। आपको बता दें कि यह पैंथर पहले भी कई बार इस क्षेत्र में देखा गया है और कयास लगाया जा रहा है कि इसी क्षेत्र में रहता है। पैंथर के पैर पर चोट कैसे लगी, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों से अनुरोध करते हैं कि इस चोटिल पैंथर के दर्द को दूर करें।